शहीदी दिवस पर शहीदों को एक अनोखी तरह से श्रद्धांजलि देकर शहीदों की शहादत को याद किया। शहीदों के याद में होटल में भागवत कथा करवाई जा रही है, जिसमें हरियाणा व यूपी के शहीदों के परिवारों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा और जितना भी ब्लड इकट्ठा होगा उस ब्लड को जवानों के हितों के लिए किया जाएगा। ये आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, इनके श्रद्धांजलि अर्पित करने और पुलवामा में जो भी हादसा हुआ, जो आतंकी जो घटना हमारे पुलवामा में, कश्मीर में हमारे देश के जवानों के साथ हुई, जिसमें हमारे देश के 44 जवानों का जो शरीर शांत हुआ है, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और हमारे ब्रजमंडल के आसपास यानी कि हरियाणा, होडल, पलवल और मथुरा तक के जितने भी हमारे शहीद परिवार हैं, उन सभी को बुला करके इस श्रीमद् भागवत कथा में सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मेरे सांवरिया संकीर्तन सेवा संस्थान, माँ भारती सेवा समिति आदि जो भी हमारे होडल की सामाजिक संस्थाएं, उनका भरपूर सहयोग रहा है। जितने भी हमारे ब्रजमंडल के परिवार हैं, वो सभी शहीद परिवार यहाँ आएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा और उनके चरणों को गंगा जल के द्वारा स्नान, चरणों को धुला जाएगा और जो भी जल उसके चरणों की जो चरणामृत है, उस चरणामृत को हमारे इस ब्रजमंडल के कोने के क्षेत्रों में डाला जाएगा, जो भी होडल के क्षेत्र हैं, क्योंकि जिससे जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनको पता तो चले कि हमारे बच्चे भले ही अपना जीवन बलिदान देश के लिए कर गए हैं, लेकिन हमारे बच्चों की याद आज भी हमारे देशवासियों के हृदय में बसी हुई है। इसी धारणा को हृदय में धारण करके ये आयोजन रखा गया है कि हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित हो और जो जवान अभी भी सीमा पर खड़े होकर के देश के जवानों को, जो देश के जवान अभी सीमा पर खड़े होकर के भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों को माँ भारती, जगत जननी गौ माता व भारत माता उनको खूब स्वस्थ रखे, खुश रखे, स्फूर्ति शक्ति प्रदान करे, जिससे वो भारत माँ की रक्षा करते रहें और हम पे एक भारतवासी होने का जो भी फर्ज है, वो दायित्व हम निभाते रहेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। 9:30 बजे से स्वास्थ्य जांच कैंप भी रखा गया है निःशुल्क। 28 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान जो होगा, जो भी रक्त हमारे पास, यूनिट हमारे पास एकत्रित होंगी, वो सभी निःशुल्क समाज और देश के जवानों के लिए भेजी जाएंगी। तो मैं घनश्याम वशिष्ठ आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि आप सभी आइए और आकर के इस आयोजन में भागीदार बने और देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। बोल भारत माता की जय। बता दें आज भी लोगों के दिलों में पुलवामा हमले में शहीद हुए सेना के जवानों सहित देश की आज़ादी में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीदों की शहादत जिंदा है। इसी के चलते होटल में शहीदी दिवस पर एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शोभा यात्रा निकाली गई और कलशों पर तिरंगा लगाकर शहीदों को याद किया। होटल से रतन सिंह की रिपोर्ट।